भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष। आयुष, MGCI कोचिंग में हो ना आप? जी। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर JEE? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, नीट की कर रहे हो। तो मतलब अभी इस बार भी आपने नीट दी थी? हाँ, 12th के साथ दी थी। अभी ये ड्रॉप है आपका फर्स्ट? हाँ, अभी जो अटेम्प्ट था उसमें क्या स्कोर आया था? अभी मेरा 220 के अप्रोक्स आ रहा था। 220। मीडियम कौन सा है? मीडियम इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है। और अभी MGCI में मतलब और भी न्यू बैचेस स्टार्ट हुए होंगे? हो गए हैं। हाँ, मतलब बैचेस स्टार्ट है अभी, और जैसे कि अभी रिजल्ट आया है कुछ दिनों पहले ही। हाँ। तो और बैच स्टार्ट होंगे अभी, जो जिन्होंने मतलब रिजल्ट देखा है तो उनको लग रहा है कि हाँ और करनी चाहिए प्रिपरेशन, तो अभी बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, हाईएस्ट स्कोर क्या आया MGCI में? मतलब इस साल हमारा 670 स्कोर रहा है। 670 हाईएस्ट है। 600 क्या वो कितने स्टूडेंट आए MGCI में? 60 तो आपको काफ़ी MGCI का नॉलेज होगा वैसे, मतलब आपका एक ईयर हो चुका है वहाँ पर। तो आप मतलब MGCI के बारे में कुछ स्पेशल बताओ कि क्या स्पेशल वहाँ पे है। स्पेशल में अगर बताऊँ तो मतलब वहाँ की फैकल्टी है, और वहाँ की फैकल्टी ऐसा है कि मतलब वहाँ पर रहने के बाद में एक अपना रिलेशन टाइप ऐसा कॉन्टेक्ट बन जाता है उनसे कि ऐसा लगता है अपने को कि हाँ ये अपने वाले हैं। तो कुछ भी चीज़ें मतलब XYZ अपन शेयर कर सकते हैं उनसे, और मतलब बहुत ऐसा फ्रेंकली रहता है। Okay. और एक बैच की जो सीटिंग मतलब कितने कैंडिडेट की रहती है? बैच को इस टाइम रहती है 60-70 स्टूडेंट रहती है, बाकी इससे अगर ज़्यादा होता तो फिर बैच चेंज हो जाती है। अच्छा, और जो क्लासेस रहती है वो कभी पोस्टपोन तो नहीं होती, मतलब कि आज जो ये फैकल्टी नहीं आया ऐसा वैसा कुछ? ऐसा तो नहीं होता, वो फिर पोस्टपोन तो नहीं होती, बाकी शिफ्ट कर देते हैं वो फैकल्टी को, शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, मतलब कोई फैकल्टी चेंज कर देते कुछ टाइम के लिए। और फीस क्या रही वहाँ पर ड्रॉपर बैच की? फीस ड्रॉपर बैच के भी 80,000। 80,000 आपको 80 लगी है? 80 तो मेरा मतलब थोड़ा, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी वहाँ पे, तो मेरा 60 अप्रोक्स हो गया। अच्छा, जो न्यू कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए 80,000 है, कि उसमें भी डिस्काउंट मिल जाता है? वो हो जाता है, बस मतलब अगर आप तो बात करोगे, कॉल पे बात करोगे तो लगेगा, बाकी अगर फेस टू फेस आके बात करोगे तो कर लेगा। अच्छा, और जो अभी नए मतलब जो कैंडिडेट मतलब बच्चे हैं जो अभी फ्रेश नीट की प्रिपरेशन करने आना चाहते हैं, तो उन्हें क्या MGCI प्रीफर करनी चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से कि कुछ होते हैं ऐसे मिडिल क्लास वाले जो मतलब LN क्लास तक की हाई फीस मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते वो कोचिंग स्टाइल की। हाँ। तो उस हिसाब से MGCI मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि मिनिमम फीस है, क्योंकि कोचिंग का मोटो ही है मिनिमम फीस बेस्ट रिजल्ट बेस्ट फैकल्टी। अच्छा, हिंदी मीडियम में भी बैचेस अवेलेबल है? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। अच्छा, और MGCI मतलब अभी आपके टेस्ट वगैरह हुए हैं कि नहीं? टेस्ट होते हैं ना अभी? हुए आपके? अभी हुआ। उसमें क्या स्कोर आया? उसमें मेरा 370 स्कोर था। 370 स्कोर था। बैच में हाईएस्ट क्या स्कोर आया? बैच में हाईएस्ट था 670। 670। ओके, और कुछ बताना चाहोगे आप आपके बारे में MGCI के बारे में?